न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड्स, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड्स, कॉन्टैक्ट लेंसेस एनी कलर रुपीज 99 ऑनवर्ड्स। जो हजरत 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उमरा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा मेन रोड अपोजिट। आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद आजम, आरएच 9 न्यूज में आपका खैर मकदम है। आज ऑल इंडिया मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हम यहाँ माधवनी पुलिस स्टेशन में आए हैं। हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष इम्तियाज अली साहब के आदेश अनुसार हमने ये सूचना लेटर माधवनी पुलिस स्टेशन में दिया है। आने वाली 19 तारीख को जुम्मा के दिन जुम्मा की नमाज के बाद जो कोल्हापुर में विशालगढ़ में हुआ है कि मस्जिदों के मीनारों को शहीद किया गया है, तो हम 6 दिसंबर होने नहीं देंगे। अब मैं बताना चाहूँगी कि वहाँ पर पुलिस की मौजूदगी में मस्जिद के अंदर हमारे कुरान को शहीद किया गया है, जानमाज़ें जलाई गई है और वहाँ पर बहुत सी बेहुदमती हुई है। जहाँ घरों में हरा झंडा था, उस घरों में घुस के बहनों को मारा गया है पुलिस की मौजूदगी में। कहाँ है पुलिस प्रशासन, कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर, कहाँ है ये भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जो करती है, तो ये माहौल पैदा करना है महाराष्ट्र में। इसीलिए हम लोग 19 तारीख के दिन जुम्मा की नमाज के बाद यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। मालवणी के अंदर जितने भी जहाँ भी मेरी आवाज़ जाती है, मैं कहना चाहती हूँ कि जहाँ तक आवाज़ जाती है तो कलमे की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के तहत हम सबको निकल के मस्जिद के हिफाजत के लिए, हमारी इबादत गाहों की हिफाजत के लिए मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन जमीन पर उतरेगी। आप सब भी साथ दीजिए, हम सब मिल के हमारी इबादत गाहों के लिए आवाज़ उठाएंगे, हम पुरजोर विरोध करेंगे। और मैं कहना चाहती हूँ जो JSR के नारे लगाते हैं, तो कहीं श्री राम ने नहीं कहा है कि आप लोग इस तरह से हिंसा फैलाए, तो मैं कहती हूं कानून लगा जाए, सख्त से सख्त कानून। तो नाजरीन, इजाजत दीजिए और बने रहिए हम सब की आवाज RH9 न्यूज के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सका ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज़।